अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोग को हम बताएंगे स्वेटर डिज़ाइन बनाना। तो आप लोग जो स्वेटर देख रहे हैं, हमने इसकी वीडियो बहुत पहले ही अपलोड कर दिया है। तो इसमें हमने बताया था कि किस तरीके से बाजू और गले को उतारा जा सकता है सुई की सहायता से, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें हमारे हर नई वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो हम कमेंट में बना रहे हैं तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि इस डिज़ाइन को मैम बना के दिखाइए। तो इस वीडियो में आज हम आप लोग को सिर्फ डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने पहले ही फंदे को डाल लिया है, हमने सिलाई में फंदे को पहले डाल लिया। तो हमारा फंदा 17 है, 17 फंदे हमने लिए हैं। ये हमारा जो सिलाई है वो 10 नंबर का है, आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर का हमने लिया है। तो हमारा 17 फंदा है, हमने 17 फंदे में डिज़ाइन को बनाएंगे, थोड़ा ही समझाएंगे आप लोग को। तो पहले हम पहला फंदा इस तरीके से बुन लेंगे, फिर दूसरा फंदा भी हम इसी तरीके से बुन लेंगे सीधा, फिर तीसरे फंदे में आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम फंदे को डालेंगे, फिर सिलाई को आगे की तरफ रखेंगे। हमें जो हमारा ऊन है उसे नहीं घुमाना है, सिर्फ सिलाई को इस तरीके से घुमाना है, देख सकते हैं आप लोग। तो हमारा एक में हमें 5 फंदा निकालना है, तो हमारा 5 फंदा हो गया इस तरीके से। तो हमें एक में 5 फंदा निकालना है। फंदे के निकालते वक्त सिर्फ सिलाई को हमें आगे पीछे करना है, फंदे को नहीं करना है। तो आगे हम क्या करेंगे, तो पहले देखिए इस तरीके से सिलाई को डालेंगे फंदे में और हम ऊन को इस तरीके से दो बार लपेटेंगे। तो दो दो बार इस तरीके से देखिए हमें लपेटना है। तो 5 फंदे में हमें इस तरीके से देखिए लपेटना है हमें दो बार। तो हम दो दो बार 5 फंदे में लपेट लेंगे। तो देखिए हमने 5 फंदे में इस तरीके से दो दो बार लपेट लिया है। तो इस तरीके से हमने 5 फंदे में लपेट लिया, फिर हमें आगे आना है। तो इस तरीके से देखिए फिर दोबारा से हमें उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले बनाया, तो इस तरीके से फंदा निकालेंगे। सिलाई ऊन को हमें नहीं घुमाना है, सिर्फ सिलाई को घुमाना, देखिए आगे की तरफ डालेंगे, फिर ऊन को डालेंगे उसमें, फिर सिलाई को पीछे करेंगे, फिर ऊन को पीछे साइड में डालेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा तीन बार डालेंगे तो हमारा 5 फंदा हो जाएगा। तो 5 फंदा हमारा, एक में 5 फंदा हमारा हो गया। फिर दोबारा से उसी तरीके से ऊन को लपेटेंगे, देखिए फंदे में इस तरीके से दो बार लपेटना हमें। तो 5 फंदे में इस तरीके से हमें 5 बार, मतलब 5 फंदा हमें लपेट लेना है दो दो बार। तो 5 फंदा हमारा हो गया इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप लोग, हमने एक में 5 और 5 में 5 में मतलब लपेट लिया हमने फंदे को। और फिर आगे हमारा देखिए 3 फंदा बच गया है, तो फिर एक फंदे में इस तरीके से डालेंगे उनको और इस तरीके से हम निकालेंगे। फिर सिलाई को हम आगे की तरफ करेंगे और फंदे निकालेंगे, फिर सिलाई को पीछे की तरफ करेंगे, फिर फंदे निकालेंगे। तो हमारा 5 फंदा हो जाएगा, 3 बार हम बुनेंगे तो हमारा 5 फंदा हो जाएगा। फिर 2 फंदा हमारा जो बचा है इसे हम ऐसे सीधा बुनाई कर लेंगे। तो फिर हमें पीछे की साइड से आएंगे, तो पीछे की साइड से हमें क्या करना है, तो पहले हमने जो 2 फंदा सादा बुना है लास्ट में उसे हम बुन लेंगे इस तरीके से। देखिए 2 बार 2 फंदे हमने बुन लेंगे और फिर हमारा जो 5 फंदा है उसको भी इसी तरीके से हम बुन लेंगे। जो हमारा एक में 5 फंदा निकला था उसी को हम बुन लेंगे इस तरीके से, 5 फंदे को उल्टी साइड से हमें 5 फंदा बुन लेना है। तो 2 किनारे का और 5 हमारा बुन लिया हमने। तो फिर 5 फंदे को जो हमने लपेट लिया था खोल देंगे इस तरीके से, देखिए 5ों फंदों को हम खोल देंगे। खोलने के बाद इस तरीके से सिलाई को एक पीछे करेंगे और इस सिलाई को आगे करेंगे और फंदे को हम इस तरीके से बुन लेंगे। देखिए तो हम एक फंदा निकाल लेंगे, 5 फंदे में से हमें एक फंदा निकाल लेना है। फिर हम 5 फंदा बुनेंगे, जिसमें से हमने एक फंदे में से 5 फंदा निकाला था उसको हम इस तरीके से 5 फंदा बुन लेंगे। फिर आगे का हम आएंगे, तो फिर हमारा जो फंदा लपेटा हुआ है उसे खोलेंगे आगे से, जिससे हमने लपेट लिया था उसे खोलेंगे और फिर इस तरीके से सिलाई में वो फंदे में डालेंगे सिलाई को और इस तरीके से हम एक फंदा निकाल लेंगे। फिर आगे हम 5 फंदे को बुन लेंगे इस तरीके से, तो 5 फंदों को बुन लेंगे। जो हमारा एक में 5 फंदा हमने निकाला था आगे से उसको हम बुन लेंगे। फिर हमारा लास्ट में 2 फंदा बच जाएगा, तो इसे हमें इस तरीके से उल्टी साइड से हमें बुन लेना है। तो पीछे का हमारा हो गया उल्टी साइड का, देख सकते हैं आप लोग हमने बुनाई कर लिया। फिर आगे का आएंगे हम, तो आगे हमें आएंगे तो हमारा देख सकते हैं डिज़ाइन इस तरीके से बन रहा है। तो हमें अभी नहीं समझ में आएगा आप लोग को, आगे बुनेंगे तब समझ में आएगा। तो आगे से हम सादा ही मतलब सीधा ही फंदे को पूरा हम बुनाई कर लेंगे, हमें आगे कुछ नहीं करना है। इस तरीके से हम पूरे फंदे को बुन लेंगे। तो हमें 2 सिलाई सीधा उल्टा बुनना है, एक सिलाई सीधा एक सिलाई उल्टा हमें बुन लेना है। अगर आप लोग चाहें तो 4 सिलाई भी बुन सकते हैं, 2 सिलाई सीधा और 2 सिलाई उल्टा, उसके बाद डिज़ाइन को डालें।
तो हम दो ही सलाई बुनेंगे। तो इस तरीके से पूरे हम फंदे को बुन लेंगे अच्छी तरीके से। तो हमारा सीधा फंदा हो गया बुनाई। अब हमें उल्टी साइड से बुनना है, तो उल्टा फंदा हम बुनेंगे। तो उल्टे फंदे को भी हमें इसी तरीके से पूरा बुन लेना है। तो हमारा उल्टा फंदा भी बुनाई हो गया है। तो फिर आगे का हम आएंगे। तो दो सिलाई हमारा हो गया, एक सिलाई सीधा एक सिलाई उल्टा। तो अब हम आगे फिर डिज़ाइन को डालेंगे। तो आप लोग डिज़ाइन को देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उभर के आ रहा है। अब पूरा बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो अब क्या करेंगे आगे हम, तो जो हमने पाँच फंदे को मतलब एक फंदे में से पाँच फंदा निकाला था और पाँच फंदे में से एक फंदा, तो हमें वही घुमा देना है जैसे कि हमने पहले शुरू में दो सीधा इस तरीके देखिए दो हमने फंदा सीधा बुन लिया था। उसके बाद हमने एक फंदे में से पांच फंदा निकाला था। तो पांच फंदे को हमें जो हमारा पांच फंदा है उसे हम अब की बार लपेट लेंगे इस बार। तो देखिए इस बार हमें लपेट लेना है पांच फंदे को। अगली बार हमने एक में से पांच निकाला था तो हमें बदल देना है। तो इस तरीके से देखिए हमने पहले पाँच फंदे को लपेट लिया। तो हमारा जो एक फंदा है पाँच फंदे का नीचे हमारा देखिए है, तो ऊपर हमारा एक फंदा आ गया है। तो उसमें से हम पाँच फंदा निकालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें पांच फंदा निकाल लेना है। तो देखिए हमारा एक में से पांच फंदा हो गया। फिर आगे हमारा पांच फंदा को हम लपेट लेंगे। तो इस तरीके से हम पांच फंदे को लपेट लेंगे। तो हमारा पांच फंदा हमने लपेट लिया है। फिर आगे एक फंदे में से हम पांच फंदा निकालेंगे। पूरा इसी तरीके से हमें बुनाई करना है। फिर फंदे को हम लपेट लेंगे पाँच फंदे को। तो इस तरीके से हमने पांच फंदे को लपेट लिया। किनारे जो हमारा दो फंदा बच जाएगा उसे हम सीधा बुन लेंगे। इस दो फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो फिर पीछे की साइड में हम आएंगे। तो उल्टे की साइड में हमें क्या करना है, फिर दो फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद जो हमारा लपेटा हुआ फंदा है उसे हम खोल लेंगे। जो हमने फंदे को लपेट लिया पाँच उसे खोल लेंगे और इसको पाँच फंदों को एक फंदा निकाल लेंगे। पाँच फंदे में से हमें एक फंदा निकाल लेना इस तरीके से। फिर जो हमने पांच फंदे में एक फंदे में से पांच फंदा निकाला उसको इस तरीके से उल्टा हम बुन लेंगे। देखिए हमारा पांच फंदा हो गया। फिर हम पांच फंदा जो हमने लपेटा है उसे खोल देंगे। खोलने के बाद पांच फंदे में से हम एक फंदा निकालेंगे। तो पांच फंदे को हमने खोल लिया इस तरीके से और ढीला कर लेंगे अच्छी तरीके से, बराबर कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसे एक फंदा हम निकाल लेंगे। फिर पाँच फंदे हम उल्टा बुन लेंगे इस तरीके से। फिर फंदे को खोलेंगे। तो इस तरीके से फिर फंदे को पांच फंदे को खोलेंगे हम और पांच में से एक फंदा हम निकाल लेंगे। और फिर लास्ट का दो हमारा फंदा बच जाएगा उसे हम उल्टा बुन लेंगे इस तरीके से। फिर आगे कहाँ हम आएंगे, फिर आगे से हमें एक सिलाई सीधा और एक सिलाई उल्टा बुनना। तो देख सकते हैं आप लोग डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिख रहा होगा अच्छी तरीके से कि बन रहा हमारा एक डिज़ाइन बन गया है। और आगे हमें इसी तरीके से बुनाई करते जाना है और डिज़ाइन हमारी बनती जाएगी। तो अगर आप लोग डिज़ाइन को थोड़ा दूर करना चाहते हैं तो चार सिलाई बुन सकते हैं। तो हम दो सिलाई बुन लेंगे, एक सीधा एक उल्टा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सादा ही हमें बुन लेना है। तो हमने एक सीधा एक उल्टा हमने बुनाई कर लिया। फिर आगे का हम आएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग डिज़ाइन को। फिर आगे हम आएंगे तो जिस तरीके से हमने पहली बार डाला था बिल्कुल उसी तरीके से इस बार डिज़ाइन को बनाना है। वही बार बार हमें दोहराते जाना है कि हमें पाँच में से एक, एक में से पाँच, इस तरीके से पूरा डिज़ाइन को बनाना है। जो हम अगली बार बुनेंगे उसके बाद दोबारा से उसको नहीं बुनना है, अलग कर देना है। तो देखिए दो फंदा हमने बुन लिया। फिर अगली बार हमने पाँच फंदे को लपेटा था तो हमारा एक फंदा हो गया था। तो उसमें से हम पाँच फंदा देखिए इसमें से हम पाँच फंदा निकालेंगे अब की बार। इस बार हमें पाँच फंदा निकालना है। फिर पाँच फंदे को इस तरीके से हमें लपेट लेना है जो हमने एक फंदे में से पांच फंदा बनाया था। तो उसमें हमें लपेट लेना है पांच फंदे को। फिर आगे का आएंगे जो हमारा एक फंदा है, पांच फंदे में से हमने एक फंदा निकाला उसमें से हमें पांच फंदा निकालना है इस तरीके से। सिलाई को सिर्फ घुमाना है, हमें ऊन को नहीं घुमाना है। फिर पांच फंदे में हम लपेट लेंगे। तो हमने पाँच फंदे में लपेट लिया। फिर एक फंदे में से हम पाँच फंदा निकालेंगे। देखिए हमने पांच फंदे को लपेट लिया। फिर हमें आगे आना है तो एक फंदे में से हमें पांच फंदा निकालना है। तो देखिए अब सिलाई को ही सिर्फ घुमाएंगे, हमें फंदे को नहीं घुमाना है। तो हमारा अपने आप ही पांच फंदा बन जाएगा बुनाई करते वक्त। तो फिर दो लास्ट का हम इस तरीके से बुन लेंगे।
फिर हमें क्या करना है, उसी तरीके से हमें इधर करना है। फिर दो फंदा हम बुन लेंगे, उसके बाद जो हमने पांच फंदा निकाला उसको बुन लेंगे। एक फंदे में से पांच फंदा हमने निकाला था उसको बुन लिया, पांच फंदा हमारा हो गया। फिर हमारा लपेटा हुआ जो फंदा है उसे खोल लेंगे पांचों फंदों को। फिर उसमें से हमें इस तरीके से सिलाई को डाल के एक फंदा निकाल लेना है, एक पांच फंदे में से एक फंदा हमें निकाल लेना है। फिर पांच फंदा हमें बुनना है, तो हमने पांच फंदा बुन लिया। फिर हम पांच फंदे को खोलेंगे, अब फिर खोल के हम एक फंदा उसमें से निकाल लेंगे, बुनाई कर देंगे एक फंदा। फिर आगे पांच फंदा हम बुन लेंगे और लास्ट का जो हमारा दो बच जाएगा उसको हम उल्टा साइड बुन लेंगे इस तरीके से। देखिए तो हमारी डिज़ाइन जो है अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो आप लोग हमारे डिज़ाइन को देख सकते हैं, तो अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा स्वेटर में बनने के बाद। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, तो हमारी डिज़ाइन देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल अच्छी बनी है। तो इसी तरीके से डालना है, इसी तरीके से बुनाई करना है। तो हम क्या करेंगे, दो सिलाई हम दोबारा से बुन लेंगे, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा हमें बुनाई कर लेना है। तो हमारी दोनों सिलाई पूरी हो चुकी है, तो हमारी डिज़ाइन बन गई है। तो आप लोग ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। आप लोग स्वेटर में नहीं, पहले पहले छोटे से नमूने में ही बना के देख लें। तो इसी तरीके से हमें ऊपर की साइड में आना है और बुनाई करना है। अगर आप लोग चाहें तो दो सिलाई की जगह चार सिलाई भी बुन सकते हैं, जो हमने दो सिलाई बुना उस सादा उसको आप लोग चार सिलाई बुन सकते हैं। तो इसी तरीके से ऊपर की साइड में बुनते जाना है, पांच फंदे में से एक फंदा, एक फंदे से पांच फंदा आपको बनाते जाना है। तो आपकी डिज़ाइन पूरे अच्छी तरीके से बन जाएगी। आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा हमारे बताने का तरीका। तो आप लोग उसी तरीके से ट्राई करें, पहले नमूने में थोड़ा सा ट्राई कर लें, उसके बाद स्वेटर में डालें, देख लें आप लोग को अगर पसंद हो तो ही डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है डिज़ाइन बनाने के बाद। दोस्तों आप लोग को बता दें, हम स्वेटर का डिज़ाइन तो नहीं अपलोड करते हैं, ना तो स्वेटर बना के अपलोड करते हैं, ज़्यादातर हम बेडशीट डिज़ाइन ही अपलोड करते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखें हमारे बेडशीट डिज़ाइन को। अगर आप लोग को और कोई स्वेटर का डिज़ाइन जानना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, हम ज़रूर बताएंगे आप लोग को। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।